सो हेलो गाइज एंड वेलकम। तो यार आज के इस वीडियो काफ़ी ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं TH9 के बेसिस के बारे में, वो भी तीन। ओके, हम एक अमाउंट रखे हैं वो है फिक्स तीन बेसिस के बारे में। एंड अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी बंदे क्लैन ढूंढ के भटक रहे हैं, मतलब यार मुझे क्लैन चाहिए, तो क्लैन टैग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी आ जाना क्लैन के अंदर, या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो क्लैन में आ जाना। एंड हमें भी मेंबर्स चाहिए, तुम्हें भी एक क्लैन चाहिए। तो यार आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यार ये जो जो बेसिस दिखा रहा है उसके साथ मैं ट्रूप्स भी बताऊंगा, जो जो ट्रूप्स आप लोग को सीसी में रखना है। एंड जरूर फुल एंड तक देखना, फुल वीडियो को एंड तक देखना। एंड आप लोग बेस को टाइम, मतलब थोड़ा मन में मतलब सेट करके देखना, मतलब यार ये बेस कैसा लगेगा आपके बेस के हिसाब से, तो वो सब देख के आप लोग सेट करना। इसलिए मैं थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा बड़ा वो बनाता हूँ चेकिंग का, जैसे फोटो मोड दिखाता हूँ आपको, हमारा ट्रैप को हटाने वाला मोड, स्काउट मोड दिखाता हूँ। तो ये क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा डिटेली पता चले हाँ ये बेस आपको कैसे मैच हो रहा है, आपके बेस में कैसे मैच होगा। तो यार शुरू करते हैं वीडियो आज का और देखते हैं नंबर वन बेस। तो गाइज ये है नंबर वन बेस एंड आप लोग देख सकते हो इसका लेआउट, एंड काफ़ी ऑसम बेस लेआउट है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड क्योंकि सेंट्रलाइज सीसी एंड टाउन हॉल, ये एंड टाउन हॉल के आसपास ही हमारे हीरोज, एंड ऑपोजिट साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है डार्क एलेक्जर, को है वो है हमारा किंग प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये एक सेंट्रलाइज बेस है टाउन हॉल नहीं पर सीसी, तो डिफेंडिंग तो काफ़ी ऑसम होगा। एंड अगर तुम लोग वॉर में यूज़ करने चाहते हो तो वॉर में भी यूज़ कर सकते हो, एंड अगर नहीं करने चाहते तो नॉर्मल बेस भी यूज़ कर सकते हो। तो यार इसका आप लोगों को सब कुछ दिखा लेता हूँ, एंड सीसी ट्रूप्स भी आपको मैं दिखा लूँगा। तो आप लोग देख पा रहे हो वॉल्फ एंड ये स्काउट मोड एंड ये फोटो मोड आप लोग देख पाएंगे, ओपी है ना। तो चलते हैं हमारी सेकेंड बेस की ओर। सो गाइस ये हमारा सेकेंड बेस है एंड ये भी सेम सेंट्रलाइज सीसी एंड टाउन हॉल कॉर्नर में है। एंड ये बेसिस को वन स्टार एंटी टू स्टार वन स्टार है, एंड ये खत्ता ही ओपी बेसिस है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा रहेगा यार ये तो टाउन हॉल पहले ही मिल जाएगा, हाँ तो टाउन हॉल ऐसा नहीं है। टाउन हॉल मिल गया तो भी बंदे को भाई फुल थ्री करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंट्रलाइज सीसी क्वीन भी वो, एंड थोड़े चेंजेस मैंने किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ये सारे के सारे बेसिस का, ऑर्डर में आप लोग आसानी से उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये वॉल मोड एंड ये आता है हमारा स्काउट मोड एंड ये हमारा फोटो मोड। तो आप लोग देख पा रहे हो कैसा लग रहा है आपको, एंड अच्छा लगा तो यूज़ कर लेना। तो चलते हैं हमारी तीसरी बेस की ओर। तो गाइस आप लोग ये बेस देख पा रहे हो, ये भी सेंट्रलाइज सीसी है एंड टाउन हॉल कॉर्नर में, एंड ये भी भाई कतई ओपी है, क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है टाउन हॉल को, एंड हमारा किंग क्वीन को बैकअप के लिए है पीछे, मीन्स ये कतई ओपी बेसिस है। एंड इसमें भी आप लोग सीसी में कुछ हैवी ट्रूप्स रख रहे हो तो यार बंदे का स्टार्टिंग में अटैक जाएगा, बंदा क्या करेगा टाउन हॉल लेने की कोशिश करेगा, पर दोनों हीरोज़ आ जाएंगे चपेट में, मतलब एनिमी का हीरोज़ और कोई भी सीसी ट्रूप हो कुछ भी हो, वो आने समय ये इधर तक आने समय सारे सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर तुम्हारी सीसी अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रही है तो। एंड ये बाकी के डिफेंस आप लोग देख पा रहे हो ट्रैप सारे के सारे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यार आज की इस वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो यार आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं इधर, एंड I will see you in the next one. Till then, bye.